अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आम का जूस और चिल्ले, जो आम के जूस के साथ बहुत ही शौक से खाया जाता है। और ये बहुत पुरानी डिश है जो हमारी दादी और हमारी अम्मी बनाया करती थी। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आम का जूस और चिल्ले। अब इसमें हमें चीज़ें चाहिए। गंदम का आटा है, जो आम हम रोटियां जिससे बनाते हैं ये ले लेंगे हम। अब जितना आपको चाहिए, जितनी आपको बनानी है मिकदार, और इसमें जर्दे का रंग चाहिए ये थोड़ा सा, ये लेंगे। पानी मैंने डाल दिया इसमें, इसको मिला लिया है, और ये पानी है। अब इसको हम मिलाना शुरू करते हैं। अब इसमें हम जर्दे का रंग शामिल करेंगे। इसमें चीनी हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें चीनी अगर डालेंगे हम तो ये सही नहीं बनेगी और ये चिपक जाएंगे उसमें फ्राई पैन में। तो अब इसमें चीनी शामिल नहीं करेंगे, चीनी हम लास्ट में शामिल करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें और उसको मिलाते जाएंगे। इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये देखें, हमने मिला लिया है। ये इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, इसको हम थोड़ा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे हम, ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो। ये देखें इस तरह बनेगा ये। इसमें हम चीनी ज़रा भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीनी से बिल्कुल चिपक जाएगा ये। ये देखें ये मिल चुका है। ये देखें हो चुका है हमारा तैयार। ये देखें इस तरह का बनेगा ये। ये हमारा रेडी है। चलें अब बनाना शुरू करते हैं हम चिल्ले। ये हमने आम के जूस के लिए आम के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं ये, और ये कभी मीठे होते हैं और कभी खट्टे भी होते हैं। इसमें हम चीनी भी शामिल करेंगे। ये आधी चीनी हम इसमें शामिल करेंगे आम के जूस में, और आधी चिल्ले के लिए लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। और ये आधा किलो दूध लिया है मैंने। चलो अब स्टार्ट करते हैं आम का जूस बनाना। आम का जूस स्टार्ट। इसे हम गाढ़ा बनाएंगे, पतला बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो चिल्लों के साथ खाया जाता है आम का जूस। ये हमने 3 अदद आम लिए थे इसमें, और चीनी शामिल की है इसमें, और आधा किलो दूध। अब इसको हमने जग में पीस लिया है। अब इसको इसमें डाल देंगे। ये देखें कितना गाढ़ा है। आम का जूस रेडी है। अब हम चिल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये फ्राई पैन हमने गरम कर ली है। अब इसमें हम घी डालेंगे। ये घी हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। इस तरह करके हम इसको घुमा लेंगे। अब ये थोड़ी देर के लिए पकने के लिए हम छोड़ देंगे इसे। जब तक ये नीचे से नहीं पक जाता इसको घुमाइएगा मत, क्योंकि इसे थोड़ी देर लगती है पकने में। ये एक साइड हमारा हो चुका है थोड़ा। अब इसको हम पलट देंगे आराम से, क्योंकि ये फौरन टूट जाता है। ये देखें पलट लिया, ये नीचे से थोड़ा हो गया। अब इसको हम ब्रेड करेंगे थोड़ा।
दार चिले और आम का जूस तैयार है।